बना रहे हैं पकोड़े, वो भी गर्मियों के मौसम में, बारिश का महीना है, चल रहे हैं जून का महीना, हम बना रहे हैं चिकन पकोड़े। सबसे पहले जो है हमने चिकन लिए, उसको अच्छी तरह हमने पीस पीस कर दिया। ये देखिए पीस रहे हैं ना इसको, चिकन बिल्कुल हमने पीस चुका है। और इसके बाद हमने इसको बाउल में डाला है। बाउल में डालने के बाद जो है हम इसके अंदर जो है चॉप प्याज डालेंगे। आपने जितना डाले उतना डालिए। मैंने यहाँ पे 1 कप प्याज डाला है, उसके बाद हमने बेसन डाला है 1 कप, और थोड़े से धनिया, और 2 टेबल स्पून जिंजर और गार्लिक का पेस्ट। और यार ये बहुत ही मजे के बनेंगे। और इसके बाद हमने डाला है 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, और 1 टीस्पून नमक, और 1 टीस्पून सूखा धनिया, और फिर इसके बाद डालेंगे 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, और 1 टीस्पून चाट मसाला। उसके बाद ये हल्दी डलेगी एंड में, और फिर अच्छी तरह जो है इसके अंदर हम मिक्स करेंगे इसको। अंडा भी डाला हमने 1, और इसको अच्छी तरह हमने मिक्स कर दिया। मिक्स करते करते ये देखिए हमने इतना अच्छा इसका बैटर बनाया है गूंद गूंद के। अब ये पकौड़े बनेंगे हमारे बहुत ही मजेदार लजीज चिकन के पकौड़े। अब यहाँ पे जो है हमारा ऑयल गर्म हो चला है, इसके अंदर जो है हम पकौड़े डालेंगे 1 by 1 ताकि साथ में छिपके ना, और इनमें थोड़ा सा फास्ट ला रहे। और ये देखें कितने प्यारे जो है ये लग रहे हैं। इसको अच्छी तरह हमने अच्छी तरह डालना है, और जो हमारा ऑयल है वो अच्छी तरह इसको गर्म करना है। अगर ठंडे ऑयल में डालेंगे तो पकौड़े बहुत ही पिचपिचे से बन जाएंगे। तो ये देखें हमने तेज हीट में डाले हैं, और ये देखें कितने प्यारे इतने सुंदर पकौड़े बिल्कुल तैयार हो गए हैं। और ये हमने निकाल लिए इसको पेपर में ताकि इसका ऑयल जो है सारा निकल जाए, और ये हम खा लें। इसके बाद जो है हमने बनाई है एक सॉस, जो कि यार ये बहुत ही मजे की सॉस है। हमने पहले केचप ली, केचप में हमने थोड़ी मेयोनीज डाली, मेयोनीज के बाद हमने जो है चिली सॉस डाली, वो जो सोया सॉस के साथ चिली सॉस होती है वो डाली। फिर उसके बाद हमने चिली फ्लेक्स डाले, चिली फ्लेक्स से भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। आप चिली गार्लिक भी डाल सकते हैं, मैंने तो यहाँ चिली फ्लेक्स डाले हैं। और ये देखें तीनों का कॉम्बिनेशन कितना अच्छा लग रहा है। और मैं एक चीज तो भूल ही गई थी, इसके अंदर तो गार्लिक पाउडर भी जाएगा, जिसकी वजह से बहुत ही मजे का फ्लेवर हो जाएगा। यार ये मैं कैसे भूल चुकी हूँ, ये तो मेरी फेवरेट चीज थी यार। कोई नहीं, बात नहीं, चले अब हमने डाल दी है। और ये देखिए अच्छी तरह इसको हमने मिक्स कर दिया है। थोड़ा सा जो है हमने सॉस और डाली है ताकि खट्टापन इसमें और आए। और ये देखे कितनी मजे की सॉस बन रही है यार। लेकिन ये जो म्यूनिस है ना, म्यूनिस चमचे से सही मिक्स नहीं होती है, आपने बेटर से मिक्स कर लेना। मैं ये बहुत ही गलत हरकत करी थी यहाँ पे। और ये देखे फाइनली हमारे पकौड़े जो है चिकन के पकौड़े बिल्कुल तैयार हो गए। बारिश के मौसम में आप लोग इंजॉय करके ये जरूर खाए, और मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। और ये देखे इसका फाइनल लुक कितने मजे के और कितने प्यारे, इतने गोल गोल से लग रहे हैं। इसको खाने के बाद आपको कैसा लगता है कि आप चिकन के पकौड़े नहीं, आप खा रहे जैसे कि चिकन पॉपकॉर्न, जो कि बिल्कुल बहुत ही मजे के हैं। और ये देखिए सॉस के साथ मैं ये ले रही हूँ, और यार बहुत ही मजे के। और ये देखिए अंदर चिकन नजर आ रहा है, और ये प्याज, यार बहुत ही मजे के, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। और ये जो बाकी के पकौड़े थे ये भी हमने निकाल दिए। और नीचे मेरा पेपर देखिए, इतनी गंदी राइटिंग के साथ उर्दू लिखी हुई है। और ये देखिए मैं बारह के बैठ गई और बारिश के मौसम में इंजॉय करके पकौड़े खा रही हूँ। और यार बस यहाँ मेरा व्लॉग होता है खत्म, और ये मैं खा रही हूँ चटनी में डुबो डुबो के पकौड़े। और आप लोग भी ये जरूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करेगा एंड शेयर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।